क्या शिलाजीत का सेवन सिर्फ सर्दियों में ही किया जाता है या हम उसको गर्मियों में भी कर सकते हैं? क्या शिलाजीत से कॉन्स्टिपेशन भी होता है? शिलाजीत के क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं? शिलाजीत के सेवन करते समय हमें क्या ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए कि जिससे कि हमें उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं? शिलाजीत का सेवन किन लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और शिलाजीत का सेवन कैसे करना चाहिए, तो ये सब जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे जो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग होगी और रिसर्च पर भी बेस्ड होगी। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, मेरे साथ बने रहिए और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए जिससे कि आपको हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल हिमान आयुर्वेदा में। चरक चिकित्सा के चैप्टर 1 में, जिसको हम रसायन अध्याय भी कहते हैं, उसमें इसका बहुत अच्छी तरह से डिस्क्रिप्शन दिया गया है। उसके लिए कहा गया है अनम्लम चकसायम चकटु पाके शिलाजतो, मतलब जो शिलाजीत है वो थोड़ा अम्ल होता है, मतलब जो खट्टा होता है, थोड़ा कषाय होता है, इसका जो विपाक है वो कटु होता है। इसके लिए कहा गया है कि जैसा हम सोचते हैं कि शिलाजीत गर्म है, तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ना ये ना ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है। इसके लिए कहा गया है कि अगर हम इसका विधि पूर्वक जैसा शास्त्रों में कहा गया है वैसा सेवन करेंगे तो ये बहुत अच्छा वाजिकर भी है और बहुत अच्छी तरह से रोगों का शमन भी करता है कि जिससे कि हमें इसके हेल्थ बेनिफिट्स मिलते रहते हैं। जिसको हम शिलाजीत कह रहे हैं उसको इंग्लिश में हम मिनरल पिच भी कहते हैं। ये एक ब्लैक कलर का टार सब्सटेंस होता है जो हाई एल्टीट्यूड के माउंटेन्स होते हैं, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, जो बहुत ऊंचाई में होते हैं, वहाँ मिलता है। दरअसल होता क्या है कि मई या जून के महीने में जब सन जो बहुत एक्सट्रीम अपनी पोजिशन में होता है कि जब सन की रोशनी, जो सूर्य की रोशनी है, बहुत तेज़ होती है, तो जब ये पत्थरों की चट्टानों में पड़ती है तो वहाँ से एक स्राव निकलता है। जब वो बहुत ज़्यादा तप जाती हैं तो श्राव निकलता है जिसको हम शिलाजीत कहते हैं। यह शिलाजीत जो है बहुत अच्छा हेल्थ बेनिफिट लेके आता है, लेकिन कभी कभी इसमें जो है इम्प्योरिटीज़ भी आ जाती हैं, तो इसलिए इसका ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि जब भी हम इसका यूज़ करें तो इसको हम प्योर फॉर्म में यूज़ करें, जो जिसमें हैवी मेटल्स ना हो, इम्प्योरिटीज़ ना हो। अगर आपको इसको चेक करना है तो आप एक पानी का ग्लास ले लीजिए, उसमें इसको डालिए तो ये एक रेखा के रूप में नीचे को जाएगा और उसमें घुल जाएगा। ये इसकी ये साबित करेगा कि ये प्योर है। तो अब हम जानेंगे कि इसके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला है क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम, जो आजकल हमें बहुत देखने को मिल रहा है। हमारी स्ट्रेसफुल जो लाइफ है, भागदौड़ जो लाइफ है, उसमें हमें बहुत देखने को मिल रहा है क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि हमारी जो मसल्स हैं वो पेन करती हैं, जॉइंट्स पेन करते हैं, हमें थकान लगती है, नींद नहीं आती। इसका मैं आगे वीडियो बनाऊंगी, उसमें डिस्क्रिप्शन दूंगी, तो उसमें ये बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाता है। क्योंकि होता क्या है कि दरअसल जो सेल्स होते हैं वो अच्छी क्वांटिटी में, अच्छे अमाउंट में जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। तो क्या होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी तो हमारे मसल्स को, हमारे शरीर को नहीं मिलेगी, तो हमें थकान रहती है। बट अगर हम शिलाजीत का सेवन एज ए डाइट्री सप्लीमेंट करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे सेल्स हैं, सेलुलर लेवल पे ये काम करता है, तो जो हमारे सेल्स हैं वो एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, एनफ एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं कि जिससे कि जो हमारे जो मसल्स हैं, जो हमारी जो बॉडी है, उसको एनर्जी मिलती रहे और हम काम कर सके। तो ये उसमें बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाता है। उसी तरह से ये एजिंग में भी, मतलब असमय कभी ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ही लोगों को बुढ़ापा देखने को मिलता है, मतलब ऐसा लगता है कि अभी तो इतनी एज भी नहीं हुई है और अभी से ही एजिंग प्रोसेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। या फिर जो ओल्ड एज पर्सन है उनमें भी ताकत लाने के लिए, कि स्टेमिना बढ़ा रहे, उनकी शक्ति बढ़ी रहे, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा उसमें रोल प्ले करता है। क्योंकि रिसर्च कहते हैं कि इसमें फल्विक एसिड पाया जाता है जो इसका मेन कंपोनेंट है। यह एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। उसकी वजह से क्या होता है कि ये शरीर में जो सेलुलर डैमेज होता है, जब एज बढ़ती आती है, जो सेल्स हैं वो डैमेज करते हैं या जो फ्री रेडिकल्स हैं जो बनते हैं, तो उनको ये रिड्यूस करेगा। तो ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं या फिर जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एजिंग, मतलब बुढ़ापा जल्दी देखने को मिलता है। तो ये उन दोनों को कम करता है, उन दोनों को, जो फ्री रेडिकल्स जो बनते हैं उनको कम करेगा, जो सेलुलर डैमेज हो रहा है उसको कम करेगा। तो इन दोनों को कम करने की वजह से
उनकी जो बनने की क्षमता है उनको कम करने की वजह से, तो क्या होगा कि जो एजिंग है, जो बुढ़ापा है, वो इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। इंसान जो है तंदुरुस्त रहेगा, उसको बीमारियाँ कम मिलेगी। तो अब हम जानेंगे कि तीसरा क्या है। तीसरा है कि यह जो है खून भी बढ़ाता है शरीर में। जो लोग एनीमिया से ग्रसित हैं, जिनको खून नहीं बढ़ रहा है, तो अगर वो भी इसका सेवन करें तो वो भी उसमें लाभ मिलेगा। क्योंकि क्या है, इसमें ह्यूमिक एसिड पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, तो जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। क्योंकि क्या है कि ये दोनों ही उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे, तो जो खून की कमी है वो भी ठीक होगी। फिर ये है कि अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप मैदानी इलाकों से हाई अल्टीट्यूड में जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ लोगों को परेशानी होने लग जाती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो जाता है। क्योंकि जो मैदानी इलाका है उसका प्रेशर और जो पहाड़ी इलाके होते हैं उनका प्रेशर में बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो वहाँ पे प्रेशर चेंज की वजह से उनके शरीर में थकान लगती है, बॉडी एक होता है, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी जाती है, जिसकी वजह से अदर सिम्टम्स भी आते हैं, डिजीनेस हो जाती है, बेहोशी आ जाती है, लंग का इन्फेक्शन हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो देखने को मिलते हैं जब हम पहाड़ी इलाके में जाते हैं, या फिर जो लोग ट्रैकिंग करते हैं उनको भी ये देखने को मिल सकता है। क्यों, पर इसमें जो है फल्विक एसिड पाया जाता है, ह्यूमिक एसिड पाया जाता है, जो इसके मेन कंपोनेंट है, उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो है शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, ब्रेन में जो ऑक्सीजन जाने की क्षमता है उसको बढ़ाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो हमें सिम्टम्स हैं ये देखने को नहीं मिलेंगे। तो जो हाई एल्टीट्यूड में लोग जाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा वहाँ पे जो लोकल लोग होते हैं वो उनको बोलते हैं कि आप इसका सेवन करिए, अदरवाइज आपको यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। बट ये ऐसा नहीं है कि हर किसी को देखने को मिलता है, बट ये जनरली देखने को मिलता है। इसका जो पांचवा है मेन लक्षण, मतलब कि जो इसका बहुत अच्छा हेल्थ बेनिफिट्स है जहाँ पे हम इसको देखते हैं, वो है मेल इनफर्टिलिटी एंड टेस्टोस्टेरोन के लेवल को भी ये बढ़ाता है। ये देखा गया है स्टडीज़ में कि अगर जो मेल लोग होते हैं अगर वो इनफर्टाइल हैं, मतलब कि किसी कारणवश जैसे स्पर्म काउंट कम हो गया या फिर स्पर्म की मोटिलिटी नहीं है, उस वजह से जो संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही है, तो अगर वो इनका सेवन करेंगे, शिलाजीत का सेवन करेंगे, तो इसमें जो है काफ़ी हद तक उनको आराम मिल सकता है। स्टडी में ये बताया गया है कि जैसे कुछ लोगों को, जैसे कि 60 लोगों को स्टडी की गई थी, उन पर उनको 90 दिनों तक जो है सुबह शाम 100 से 150 mg की मात्रा में इसका सेवन कराया गया था। तो 90 दिन के बाद ये देखा गया था कि जो उनका स्पर्म काउंट है, जो स्पर्म की मोटिलिटी है, वो बढ़ी थी, जिसकी वजह से जो उनकी प्रॉब्लम आ रही थी कि प्रजनन क्षमता में, तो वो भी ठीक हो रही थी। तो वहाँ पर भी इसका इफेक्ट देखा जाता है। उसी तरह से जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसका लेवल भी ये बढ़ाता है। तो अगर किसी वजह से टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है, उसको बढ़ाना है, तो उसमें भी शिलाजीत का बहुत अच्छी तरह से देखा जाता है। रिसर्च ये बताते हैं कि शिलाजीत बहुत सेफ है अगर आप उसको डाइटरी सप्लीमेंट की तरह लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना भी आवश्यक होता है। सबसे पहला है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि ये देखा गया है कि जो शिलाजीत का सेवन करते हैं जब, तब यूरिक एसिड भी बढ़ता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। शिलाजीत ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। तो जो लोग हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिंस लेते हैं, कि जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और वो मेडिसिंस लेते हैं अपना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, तो उनका जो है ब्लड प्रेशर और कम ना हो, तो इसलिए उनको इसका सेवन संभल के करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। शिलाजीत का सेवन उन लोगों को भी नहीं करना चाहिए कि जिनकी हिस्ट्री रही है कि ब्लड प्रेशर उनका कम रहता है, जिसको हम हाइपोटेंशन कहते हैं, या फिर उनको हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको जो कंडीशन है वो और भी ख़राब कर सकती है। उसी तरह से जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उस समय भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। जो माताएं बच्चे को दूध पिलाती हैं, स्तनपान करती हैं, उनको भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। बच्चों को भी जो शिलाजीत है उसका सेवन नहीं करने के लिए कहा गया है। उसी तरह से आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि ये जो है बॉडी में
हार्मोन के बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकता है, जैसे कि ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाता है। तो जो लेडीज़ जिनके शरीर में हार्मोन जो है डिस्टर्ब है या फिर जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं, तो वो अपना जो है ट्रीटमेंट शिला जब करा रही हैं तो उस समय इसका ध्यान रखें कि ये शिलाजीत का सेवन ना करें, क्योंकि ये आपके शरीर में हार्मोन के लेवल को डिस्टर्ब कर सकता है और भी डिटोरिएट कर सकता है। तो जब भी आप ट्रीटमेंट ले रही हैं तो उस समय अपने डॉक्टर से ज़रूर बताइए कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो जिससे कि आपकी कंडीशन और ख़राब ना हो। अब हम ये जानेंगे कि कुछ मिसकंसेप्शंस हैं कि शिलाजीत का सेवन कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। तो कुछ लोगों की भ्रांतियां हैं कि शिलाजीत जो है गर्म होता है तो इसलिए इसका सेवन सर्दियों में ही करना चाहिए, पर जैसे मैंने अभी बताया आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा है, तो इसलिए हम इसका सेवन सर्दियों में भी कर सकते हैं और गर्मियों में भी कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हर पर्सन एवरी पर्सन इज डिफरेंट, क्योंकि सब पर्सन की प्रकृति अलग है, तो इसलिए हम यह डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि इसका सेवन सर्दियों में ही करें या गर्मियों में करें। तो आप अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग इसका सेवन सर्दियों में भी कर सकते हैं और गर्मियों में भी कर सकते हैं। उसी तरह से कुछ लोगों में ये भ्रांतियाँ हैं कि अगर हम शिलाजीत का सेवन करेंगे तो ये कब्ज की दिक्कत कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारे शरीर से जो है टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, तो ये कॉन्स्टिपेशन नहीं कर सकता, क्योंकि हर पर्सन जो है अलग है, जैसा कि मैंने अभी बताया अपने प्रकृति के अकॉर्डिंग। अब ऐसा भी नहीं है कि ये जो है कॉन्स्टिपेशन नहीं कर सकता है, कर भी सकता है, बट ये कोई रूल नहीं है कि अगर हम इसका सेवन करेंगे तो ये कब्ज की दिक्कत करेगा, तो आप उसका सेवन उस समय भी कर सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार शिलाजीत का सेवन करते समय दूध की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। हम उसका सेवन हम उसको दूध में मिला के भी ले सकते हैं या फिर हम उसके जो है लेके दूध भी पी सकते हैं ऊपर से, बट दूध की अमाउंट अच्छी होनी चाहिए। शिलाजीत का सेवन करते समय आयुर्वेद में कहा गया है कि जो विदाही जो गुरु होते हैं, गुरु मीन्स जो हैवी टू डाइजेस्ट होते हैं, जो पचने में भारी होते हैं या फिर जो विदाही होते हैं, जैसे उड़द दही और स्पाइसी भोजन, जो खट्टे मसालेदार भोजन है, उसका सेवन कम करना चाहिए। कुल्थी का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुल्थी और जो शिलाजीत हैं उनके गुणों में पूरी अपोजिट हैं वो दोनों। क्या होता है कि जो कुल्थी का जो स्वभाव होता है वो पत्थर को तोड़ने वाला होता है, मतलब कि पत्थरों को तोड़फोड़ करने वाला होता है। अब शिलाजीत क्या होता है कि पत्थर से निकला हुआ होता है, तो उसमें जो है पत्थर के समान गुण होंगे, तो अगर हम कुल्थी का सेवन करेंगे तो जो शिलाजीत के जो गुण हैं उसको भी वो कम करेगा और शिलाजीत को तोड़ फोड़ कर वो यूरिन के जो माध्यम है, यूरिन का जो उस जाने का रास्ता है वहाँ से भी वो निकाल देगा, तो उसका सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि शिलाजीत का सेवन अगर हम कर रहे हैं और कुल्थी का भी यूज़ कर रहे हैं तो उसके हमें कोई हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे ही नहीं, तो उस समय कुल्थी का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप जो है दूध की मात्रा उस समय बढ़ाइए। तो इस वीडियो में मैंने वही बताने की कोशिश की है कि शिलाजीत हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, बट कहाँ कहाँ पर हम उसको किस अमाउंट में यूज़ करें और क्या हम सेवन ना करें कि जिससे कि हम उसके पूरे हेल्थ बेनिफिट्स ले सकें। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं तो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिख के भेज सकते हैं, या फिर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो वो भी आप हमें लिख के भेज सकते हैं। आप हमसे फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।